हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बनाएंगे फोर सेंसर वैल्यू प्रिंट इन एलसीडी। फोर सेंसर की वैल्यू हम एलसीडी में प्रिंट कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा टिंकर का टेक्स्ट बोर्ड है। सबसे पहले कंपोनेंट सर्च कर लेंगे। आर्डिनो यूएनओ तो ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। अब इसके बाद हम सर्च करेंगे टच सेंसर। अब हम सर्च करेंगे टच सेंसर फोर सेंसर, यहाँ पे क्लिक करिए। इसको तो कैंसिल करते हैं, क्लिक करते हैं फोर। ये हमारा फोर सेंसर है, इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दोनों टर्मिनल किसी भी टर्मिनल में पॉजिटिव नेगेटिव आप कनेक्ट कर सकते हैं, और एक रेजिस्टर लेना होगा। एक रेजिस्टर हमने ले लिया। रेजिस्टर की वैल्यू हमें क्या करना होगी, 10K करनी होगी। और रेजिस्टर की वैल्यू सेकेंड टर्मिनल जो है वो आर्डिनो की जीएनडी पिन से कनेक्ट हो जाएगा। हमने जीएनडी पिन से इसको कनेक्ट कर दिया और इसको ग्राउंड कर देते हैं। फिर अगेन हम लोग इसी पिन पे हम लोग क्या करेंगे, आर्डिनो की एनालॉग A0 पिन से कनेक्ट कर लेंगे। A0 पिन से हमने कनेक्ट कर दिया और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको कर देते हैं कोई भी कलर, डिजिटल कलर। अब यहाँ देखिए, ये टर्मिनल सेकेंड फोर सेंसर का हम लोग आर्डिनो की पावर पिन से कनेक्ट कर दिया। पावर पिन मतलब 5 वोल्ट, 5 वोल्ट हमने कनेक्ट कर दिया इसको, और इसको कर देते हैं रेड। अब हम स्टार्ट सिमुलेट करेंगे, कोड पे जाएंगे, जो मैनुअल कोड है इसको डिलीट करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पास कोड सेक्शन में जाके सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, फोर सेंसर। स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस नॉट अलाउड। स्पेस देंगे तो आपका वेरिएबल ऑपरेट नहीं होगा। फोर सेंसर, अभी हमने ब्लॉक ले लिया, और फिर इनपुट में जाके हमने जिस पे भी कनेक्ट किया, ये हमने डिजिटल पिन पे एनालॉग पिन पे कनेक्ट किया है तो एनालॉग ब्लॉक ले लेंगे। एनालॉग ब्लॉक ले लिया हम लोग ने। अब इसके बाद आउटपुट पे जाके प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर का ब्लॉक लेंगे, और वेरिएबल में जाके फोर सेंसर यहाँ पुट कर देंगे। अब स्टार्ट सिमुलेट करेंगे और सीरियल मॉनिटर की वैल्यू ओपन करेंगे, और फोर सेंसर पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन आ जाएगा वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। देखिए ऊपर जाएगा तो वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, ये जब डाउनवर्ड होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी फोर सेंसर की। अब इसी वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराएंगे एलसीडी पे। एलसीडी पे प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीडी सर्च करेंगे, एलसीडी एलसीडी 16x2 के नहीं, एलसीडी 16x2 I2C, इसमें 4 पिन यूज होती है ओनली। तो हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। ग्राउंड पिन को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, इसको करते हैं ब्लैक। पावर पिन को हम लोग पावर से कनेक्ट कर देंगे, इसको कर देते हैं रेड। और इसके बाद हमारी SDA पिन है, SDA पिन हमारी कनेक्ट होगी आर्डिनो की A4 पिन से, क्योंकि A4 पिन SDA पिन होती है। और SCL पिन हम कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो की A5 पिन से। ये हमने इसका कलर चेंज कर दिया। अब देखिए, ये हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग कोड सेक्शन में जाएंगे, अब एलसीडी में प्रिंट कराएंगे वैल्यू। एलसीडी थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, आप कोड पे क्लिक करिए। अब इसी वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराएंगे एलसीडी पे। तो अब हम लोग आउटपुट पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे एलसीडी का ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन एलसीडी। देखिए कॉन्फ़िगर एलसीडी का ब्लॉक यहाँ पुट करिए। इसके बाद हम लोग पुट करेंगे प्रिंट एलसीडी।
और हेलो वर्ल्ड की जगह हम लोग क्या करते हैं, अगर हेलो वर्ल्ड की जगह हम नहीं यहाँ पर वेरिएबल नहीं रखेंगे तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एलसीडी में देखिएगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, वेरिएबल में जाके फोर सेंसर और स्टार्ट सिमुलेट करेंगे, तो देखिए हमारी फोर सेंसर की वैल्यू इस पे प्रिंट होने लगेगी, 0 0 0 वैल्यू आ रही है। इसको जब डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू अदर आने लगेगी, 31 31 सीरियल मॉनिटर पे भी देख सकते हैं, 831 831। अभी इसको कॉन्फ़िगरेशन सही करेंगे, स्टॉप करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट पे जाके इसको इसको नीचे कर दें डिस्प्ले। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ ड्रैग नीचे करते हैं थोड़ा सा, सेट पोजीशन पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, वैल्यू 0 0 पे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, फोर सेंसर वैल्यू, क्या कर लेंगे, फोर सेंसर वैल्यू, फोर सेंसर वैल्यू चार्ट करके देख लेते हैं क्या फोर सेंसर वैल्यू टाइप हो रहा है एलसीडी पे, फोर सेंसर वैल्यू ये आ रहा है। अब हम इसके नीचे वैल्यू प्रिंट कर देंगे, फिर से जाएंगे सेट पोजीशन, सेट पोजीशन हम क्या कर देंगे यहाँ पास वन कर देंगे, वन करने से क्या हो जाएगा, रो हमारी वाई एक्सिस होती है तो ये 0 है, नीचे साइड हो जाएगी 1, अगर 2 करेंगे तो नीचे साइड, मगर ये 16x2 की एलसीडी, जिसमें 16x4 की एलसीडी होती है इसमें 0 1 2 3 यूज होती है। अब हम लोग यहाँ इसको पुट कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ फोर सेंसर ही करते हैं यहाँ पास, क्योंकि वैल्यू टाइप नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे हम हटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू इक्वल टू। अब इसके बाद इसी का फिर से सेट कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे, एक ब्लॉक 0,1 प्रिंट टू एलसीडी और यहाँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे ले लेंगे वैल्यू अप्रॉक्स 8। अब स्टार्ट सिमुलेट करते हैं और फोर सेंसर की वैल्यू देखते हैं, फोर सेंसर वैल्यू 0, जैसे इसको डिग्री इस पे क्लिक करेंगे फोर सेंसर पे, ठीक है, अप करेंगे तो वैल्यू हमारी देखिए इंक्रीज होगी, 181, 786, 841, और इसी तरीके से अपर कर देंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 886। सीरियल मॉनिटर में देखिए सेम वैल्यू आएगी 914, मिनिमम वैल्यू हमारी 0। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन देंगे, एलईडी यहाँ से ले लेते, एक एलईडी, एक रेजिस्टर ले लेंगे जो हम लोग कैथोड पे लगा देंगे, और सेकेंड टर्मिनल हमारी ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी, हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड, और एनोड पिन हमारी डिजिटल N11 भी यूज़ कर लेते हैं, डिजिटल 11 भी। रजिस्टर की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 330 ओम, 330 ओम, 330 किलो ओम की जगह ओम कर देंगे। स्टार्ट सिमुलेट, यहाँ पे आप इफ कंडीशन देंगे, इफ एल्स का ब्लॉक यूज करेंगे, कंट्रोल में जाइए, ये हमने इफ एल्स का ब्लॉक ले लिया, और यहाँ पर जाएंगे मैथ सेक्शन में, ट्रायंगल ब्लॉक लेंगे, वेरिएबल में फोर सेंसर, क्योंकि हमें फोर सेंसर की वैल्यू से एलईडी को ऑन ऑफ कराना है, तो हम लोग यहाँ पे मिडिल वैल्यू दे देते हैं 400, ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू 900, मिनिमम वैल्यू 0, यहाँ हम कर देते हैं 300, लेस देन 300, फोर लेस देन 400 कर देंगे, और आउटपुट पे जाके प्रिंट टू इस ब्लॉक को लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 11,
ये रखेंगे यहाँ पर जीरो की जगह 11, हाई की जगह हम लो कर देंगे। अब देखिए कोड, देखिए आपको पूरा कोड समझ में आ रहा है ना, हर एक चीज समझ में। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट सिमुलेट, देखिए हमारी लेस देन 400 की वैल्यू है जो जीरो है, तो के लेस देन 400 में आपका वैल्यू जीरो भी आ जाएगी। तो इसी वजह से हमारी एलईडी क्या हो रही है, एलईडी हमारी ऑन हो रही है जब ग्रेटर देन वैल्यू होगी। अब इसको हम शो कर अनशो कर देते हैं, यहाँ पर जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो। अब देखिए इस पर क्लिक करेंगे, जैसे वैल्यू हमारी 400 से अपर हुई, अभी देखते हैं 760, तो एलईडी हमारी ऑफ हो गई है। लेस देन 400, यहाँ पर लेस देन 400 होगी, हमारी एलईडी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अब ये मैनुअली हमें ऑपरेट करने का ऑप्शन दे दे रहा है, नहीं तो हम ये फोर सेंसर के ऊपर लोड रखा जाता है। तो हम आपको फोर सेंसर दिखा देते हैं। फोर सेंसर देखिए इस टाइप का हमारा होता है फोर सेंसर, ये देखिए इस टाइप का फोर्स होता है। इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा तो अलग अलग टाइप की अलग अलग नंबरिंग की वैल्यू ये जनरेट करता है, जिससे हम लोग कंडीशन देते हैं रोबोट को। लेस देन 400 तो एलईडी ऑन, ग्रेटर देन 400 एलईडी ऑफ हो जाएगी। देखिए अभी एलईडी ऑन हो जाएगी, एलईडी ऑन हो गई है। अब हम लोग टेक्स्ट कोड देख लेते हैं, पर क्लिक करिए ब्लॉक 10 टेक्स्ट पर क्लिक पे करिए। देखिए ये टेक्स्ट कोड है, टेक्स्ट कोड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और एलसीडी की लाइब्रेरी भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकें। अब हम आपको दिखा देते हैं लाइब्रेरी कैसे इंक्लूड करनी है, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए लाइब्रेरी, ये हमारी लाइब्रेरी यहाँ पर है, ये लाइब्रेरी की लिंक हमने दिया है, उस पर जाइएगा, यहाँ से क्लिक करिएगा, इंटर कर दीजिएगा। देखिए लाइब्रेरी आपकी शो ओपन हो जाएगी, यहाँ से कोड पे क्लिक करिए, डाउनलोड जिप, डाउनलोड जिप करेंगे तो आपकी ये लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी। फिर आर्डिनो आईडीई खोलिएगा, फिर स्केच पे जाएंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी, ऐड जिप लाइब्रेरी। ऐड जिप लाइब्रेरी में जहाँ पर आपकी डाउनलोड हुई, जैसे हमारे डाउनलोड पोजिशन में आई है, तो ऐड अ फूड की लाइब्रेरी है, तो ये हम ये लाइब्रेरी हमारी है। ये देखिए ये लाइब्रेरी है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी कोड को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये पहले से ही एग्जिस्ट है, ये देखिए, देखिए लाइब्रेरी नेम एज अ फ्रूट एम सी आर्डिनो लाइब्रेरी मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी कोड को कॉपी कर लीजिएगा, हम जो लिंक देंगे वहां से कॉपी करके इसी आर्डिनो पे पेस्ट कर दीजिएगा और कंपाइल कर दीजिएगा, आपका कोड कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल हो जाने के बाद आप सर्किट सेम आर्डिनो के तरीके जो हमने ये टिंकर कैड में बनाई है, सेम सर्किट आप बना लीजिएगा और कोड को अपलोड कर दीजिएगा। कोड अभी कंपाइल हो रहा है, एक मिनट रुकिए, देख ये देख सकते हैं कंपाइल हो रहा है, कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपाइल देखिए आसानी से हो गया, कोड कंपाइल हो गया। आप इस टाइप की सर्किट बना के टूल में जाइएगा, पोर्ट सेलेक्ट करिएगा, आर्डिनो यूएनओ सेलेक्ट, फिर अपलोड के ऑप्शन से अपलोड कर दीजिएगा, तो आपका टेक्स्ट कोड अपलोड हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का एक बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।